1975 में मैंने इस्टर मेडिकल कॉलेज में किया। भुट्टो साहब के आने के बाद एक बहुत लोगों में उम्मीद थी, आरजू थी और लेफ्ट विंग को एक राइज मिल रहा था। जब मैं निश्चर में एंटर हुआ और वहाँ पर मैंने तालीम के साथ साथ जब मैं इन्वॉल्व हुआ लोकल पॉलिटिक्स में, तो ऑब्वियसली अपने बैकग्राउंड की वजह से मैं लेफ्ट पॉलिटिक्स में रहा। लेकिन उन दिनों क्योंकि 68-69 का रेवोल्यूशन जो है वो रिसीड कर चुका था, पसपाई इख्तियार कर चुका था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन यहाँ के निज़ाम के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो उन रिफॉर्म्स को, उन असलाहत को लोगों की फलाह बहबूद तक पूरी तरह पहुँचा सकता, जिसकी वजह सोसाइटी में इन्फ्लेशन आई, एक खलफिशार आया और उसमें फिर फंडामेंटलिज्म ने पिकअप करना शुरू किया और इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी जो उस वक्त पूरी तरह अमेरिका से स्पॉन्सर्ड थी, उस वक्त उन्होंने लेफ्ट विंग को कुचलने का एक अमल शुरू किया। और हम चूंकि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से, लेफ्ट विंग के बैकग्राउंड से थे, इसलिए हमने उनको रजिस्ट किया और उस रजिस्टेंस पे हमारा पहला जो तसादम हुआ इस्लामी जमीयत तलबा से वो 1976 में हुआ। और 19 साल की उम्र में हमें उस वक्त, हालांकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का में दाखिल होने वाला एक जागीरदार था, एक सरमायादार था, सादिक हुसैन कुरैशी जो चीफ मिनिस्टर था, उसने जमात इस्लामी को छोड़ दिया और हमें अंदर कर दिया। 1978 में मैंने इलेक्शन लड़ा इस्लामी जमीयत तलबा के खिलाफ और मैं काफी अक्सरियत से जनरल सेक्रेटरी जीता। उस वक्त ज़िया उल हक़ की अमरियत आ चुकी थी, हमारे खिलाफ जमात इस्लामी भी थी, हमारे खिलाफ सारा राइट विंग। मैं जब उस वक्त जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ और जमीयत को डिफीट किया, जिसको मार्शल लॉ की हुकूमत का, अमरीकी साम्राज्य का पूरी तरह एक आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट हासिल की, हमने फिर अमरीत के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशन किए। फिर उसी पादाश में जब 16 अक्टूबर 1979 को ज़िया उल हक़ ने तमाम स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदियाँ लगाई, तो उस वक्त फिर हमने एक शदीद एहतजाज किया, जिस पर फिर पहले इस्लामी जमीयत तलबा के जो लड़ाका लोग थे उन्होंने हम पे हमला किया, वो नाकाम हुए। फिर पुलिस आई, पुलिस नाकाम हुई, पूरा बिसीज किया निश्चर मेडिकल कॉलेज को और उसके बाद फिर हमें उन्होंने गिरफ्तार किया।